शेयर में लगातार गिरावट होती जा रही है, ये 1200 के लेवल पर गिरते गिरते देखिए 500 के आसपास आ गया है। इसमें हमें क्या एक्शन लेना चाहिए दोस्तों? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम श्रवण आर्य। चलो इसमें डिटेल एनालिसिस करते हैं दोस्तों, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। दोस्तों हमारे इस टेलीग्राम के चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, इसमें हम डेली बेसिस पर न्यूज़ लाते रहते हैं। दोस्तों देखो, अमर राजा लैबोरेटरी है, जैसे कि ये अच्छा खासा बीच में 1000 के ऊपर क्रॉस करके गया हुआ था, लेकिन अभी इसमें देखो गिरावट होती जा रही है। ये एक अच्छी, इसके कंपनी के बारे में बात कर रहे थे, एक अच्छी फ्लैगशिप कंपनी है और ये देखो टेक्नोलॉजी लीडर में है और इसमें लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर ऑफ लीड एसिड बैटरीज फॉर इंडस्ट्रीज और ऑटोमोटिव दोनों के लिए ये एप्लीकेशन में यूज़ होती है, इन द इंडियन स्टोरेज बैटरी इंडस्ट्री। और दोस्तों इसका अलग अलग क्लाइंट देखो 32 कंट्रीज को एक्सपोर्ट करती है, छोटी मोटी बात नहीं है दोस्तों, ये अच्छा खासा इसमें ऑटोमेटिक बैटरीज में है दोस्तों। और इसमें देखेंगे इनके मेजर सप्लायर्स कौन कौन, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स है, टेलीकॉम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स है, यूपीएस सेक्टर्स में देखो ओई एम और रिप्लेसमेंट है, रेलवे इंडियन रेलवेज भी है, एंड पावर और ऑयल एंड गैस जो भी इंडस्ट्रीज के भी सेगमेंट है, जो कि अच्छा खासा है, इसमें प्लस पॉइंट है दोस्तों इसमें। और देखो इसमें हम देखेंगे तो दोस्तों कंपनी के बारे में, मार्केट कैप 9731 करोड़ हो गया, गिर कर इतना कम हो गया, अच्छा खासा मिड साइज की कंपनी है ये, और इसकी पीई देखो 16 पर आ गई है दोस्तों, और जबकि इंडस्ट्री पीई 28.7 है। इसका रेट भी हम देखेंगे डिटेल में। आरओसीई और आरओई देखो कितना जबरदस्त है, 21.6% और आरओई देखो 16% है, 15 के ऊपर है तो अच्छा खासा माना जा सकता है। तो बुक वैल्यू 256 है, बुक वैल्यू का डबल के आसपास ही देखो रेट पे नजर आता है, अच्छा खासा रेट पर अवेलेबल है। हाई और लो देखो, एक साल में हाई 826 बनाया था और लो 520 पर के आसपास ही देखो अभी नजर आ रहा है, लो के आसपास, डिविडेंड 2% के आसपास है, अच्छा खासा देखो डिविडेंड दे रही है, फेस वैल्यू 1 रुपीज है और इंट्रिंसिक वैल्यू 701 है और क्या रेट देखो चल रहा है 570, हर एक लेवल पर सस्ता एकदम कौड़ियों के नाम पर नजर आ रहा है दोस्तों ये। और पीजी रेशियो प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखेंगे तो ये भी कम ही है, 2-3 भी ठीक और ठीक ठाक कह सकते हैं इसको। और प्रमोटर होल्डिंग 28.1% है, प्रमोटर ने थोड़ा हिस्सेदारी कम की थी इसलिए यहाँ पर शेयर में गिरावट आई थी दोस्तों यहाँ पर, फिर भी देखो अभी आगे चल इनका अच्छा खासा प्लानिंग है और अर्निंग पर शेयर देखो 35 है। और इसके चार्ट में नजर मारेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आप देखो फुल चार्ट देखेंगे तो ये बहुत समय से देखो चला नहीं है यहाँ पर, यहाँ पर इसने 2015 में जो टॉप बनाया था, 1000 क्रॉस करके गया हुआ था, 1100-1200 तक गया था, उसके बाद से देखो ये कुछ खास चला ही नहीं, वो भी टॉप लेवल पर आकर गिर जाता है यहाँ पर। यहाँ पर भी इसमें कोविड के समय देखो ये बहुत गिर गए, 4.5-4.6 तक भी गिरा था, फिर ऊपर गया था, 1000 क्रॉस किया था, फिर नीचे आ गया है दोस्तों ये, अब देखो 500 के आसपास से आ गया है। तो देखो ये नीचे आया तो इतना जो इसका बॉटम है ये 500-600 के आसपास ही, इससे सेम बॉटम है दोस्तों, इसके नीचे तो जाना लगता तो नहीं जाएगा ये। और एक साल का भी देखो, एक साल में भी ये खास चला नहीं है, ये एक साल के चार्ट में तो लगातार गिरावट होती जा रही है, जैसे को 800 के आसपास था, उससे बाद कंटिन्यूस गिरता जा रहा है और ये इसका बॉटम ऐसा लग रहा है कि यहाँ से नीचे नहीं जाएगा दोस्तों। और दोस्तों इसे प्रॉफिट एंड लॉस के में देखेंगे हम लोग, इसके पहले क्वार्टरली पे एक बार नज़र मार लेते हैं, क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे। दिसंबर 20 में 1960 देखो करोड़ का सेल्स था, बढ़कर 2365 करोड़ हो गया, अच्छा खासा इसमें बढ़ोतरी हुई है। और इसका नेट प्रॉफिट देखो 193 करोड़ था दिसंबर का, जो कम होकर 145 करोड़ हो गया, जो भी एक यहाँ पर भी इसके गिरावट का एक कारण है, क्योंकि इसके प्रॉफिट में अचानक देखो 25-30% के आसपास गिरावट हुई है, तो इसके वजह से ये गिर रहा है दोस्तों। सेल तो बड़ा है, प्रॉफिट कम हुआ है, लेकिन चलो कोई खर्चा के बढ़ने से चलो ये प्रॉफिट डाउन हुआ है, तो इसमें माइनस पॉइंट नहीं कह सकते हम दोस्तों। और ये देखिए प्रॉफिट एंड लॉस में देखेंगे, हर एक साल देखो इनका सेल बढ़ता ही जा रहा है, आने वाले समय में 8.5 करोड़ से ऊपर गया हुआ है, और नेट प्रॉफिट भी ये इसमें बढ़ोतरी हुई है, हर बार बढ़ोतरी हुई, यहाँ पर भी यहाँ थोड़ा सा कम होने वाला है, तो इसलिए थोड़ा सा ऊपर नीचे तो हो रहा है दोस्तों, तो इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं, सेल बढ़ रहा है तो बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है इसके अंदर। और यहाँ पर आप देखेंगे तो इसका लोन भी ज़्यादा नहीं है, 92-97 करोड़ के आसपास भी बोरोइंग्स है, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर रिजर्व भी बढ़ता जा रहा है, रिजर्व देखो 527 करोड़ था 2010 में, बढ़कर देखो 4357 करोड़ हो गया, अच्छा खासा पॉजिटिव साइन नजर आ रहा है। एसेट भी बढ़ रहा है, एसेट देखो 300 करोड़ से बढ़कर 2398 करोड़ हो गया है,
हर एक लेवल पे अच्छा खासा पॉजिटिव साइन इसमें दिख रहा है दोस्तों। और जैसे कि हमने देखा प्रॉफिट एंड लॉस में जो देखो ये दिख रहा है, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस में दोस्तों प्रोविजन की तरह भी ले लिया हुआ हो सकता है। देखो 800 करोड़ के आसपास जो प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिख रहा है, वो पूरा का पूरा यहाँ पर पैसा आपको कैश फ्लो में देखो 800 करोड़ आया हुआ दिख रहा है। तो मतलब ऐसा नहीं कि प्रॉफिट एंड लॉस में जो बता दिया कि कैश नहीं मिले, तो पूरा का पूरा कैश बेस देखो अच्छा खासा प्लस पॉइंट हर एक लेवल पर नजर आ रहा है दोस्तों। और बाकी के शेयर होल्डिंग पैटर्न पे भी देखेंगे तो यहाँ पर अब प्रमोटर्स होल्डिंग 28% है, FII ने देखो 18% लगा कर रखा है, DII में देखो LIC ने पैसा लगा कर रखा है 7.23% है, कोटक बैलेंस फंड अच्छा खासा देखो यहाँ पर म्यूचुअल फंड के होल्डिंग लगे हुए हैं, तो इसमें विश्वास बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों हम देखेंगे तो। और दोस्तों अब देखेंगे तो ये रेट क्या कैसे निकल के आ सकता है इसका अच्छा खासा। आप देखोगे यहाँ पर तो इसके शेयर इतना गिरते गिरते इसका पी देखो 16.2 हो गया है बराबर, और यहाँ पर इंडस्ट्री पी आप देखोगे 28.7 है। तो यहाँ पर आप देखो स्टॉक पी को आप यहाँ से मल्टीप्लाई करते हो EPS से, तो आपका ये करंट प्राइस निकल के आता है। तो समझो इसका पी हम इंडस्ट्री पी माने, समझो इसका इसका पी होना चाहिए इंडस्ट्री पी के लेवल पर बराबर। इंडस्ट्री पी कितना दिखाई दे रहा है आपको 28.7, तो इसको कैलकुलेटर में हम ले लेते हैं दोस्तों। अब इंडस्ट्री पी हम ले लेते हैं 28.7, और इसका इसका अर्निंग पर शेयर आता है इंटू 35.2 बराबर। अगर इसको देखते मल्टीप्लाई करते हैं 1010 रुपीज तक इसका रेट आसानी से नजर आ रहा है इंडस्ट्री पी के वैल्यूएशन के हिसाब से देखेंगे तो, इतना रेट तो जाना बनता ही है दोस्तों। तो देखो अभी क्या रेट पर अवेलेबल है 570, तो मेरे हिसाब से दोस्तों इसको जो ये दिखाई दे रहा है अच्छा खासा देखो ये डबल होता हुआ नजर क्लियर कट ही आ रहा है दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया। तो उसमें दोस्तों ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पज के लिए बनाया गया है, तो इसमें देखिए मैंने प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट हर एक लेवल पे आपको बताया है इसमें दोस्तों। इसमें आपको कोई भी एक्शन लेना है आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को पूछ के अपना डिसीजन लीजिएगा दोस्तों। और दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगे इसे लाइक लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा, और आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।